किसने सोचा था कि अन्ना आंदोलन से निकला हुआ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात किया करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना सरकारी बंगला और ना ही गाड़ी लेने की बात करते करते आज भ्रष्टाचार के आरोप से बचते बचाते एक नहीं दो नहीं बल्कि ईडी के द्वारा भेजे गए 9 समन जारी होने के बावजूद गैर हाजिर रहे। सफाई देना तो दूर की बात, उल्टा ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया करते थे। कहावत है ना मित्रों, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये धुआं क्या सच में आग लगने से उठा है या फिर दिल्ली के मालिक के खिलाफ रचाई गई कोई गहरी साजिश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपके ऐसा करने से हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को जारी एक प्रेस नोट में आप प्रमुख को कथित शराब नीति घोटाले में साजिशकर्ता बताया था। इस घोटाले का दायरा कितना बड़ा है इस बात से पता चलता है कि अब तक इस मामले में कुल 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मित्रों, कुछ दिन पहले BRS यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता को उनके हैदराबाद स्थित घर से ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया। सुश्री के कविता तेलंगाना के पूर्व मंत्री KT रामाराव की बहन और पार्टी प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी है। ईडी के जांच से पता चला है कि सुश्री के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आपके शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इन लाभों के बदले में वो 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने में शामिल थी, आपके नेताओं के लिए प्रेस नोट में ये बात कही गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को इस मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार कर चुका गया है और आपके ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अक्टूबर में हिरासत में लिया गया था। जब से पिछले साल अक्टूबर में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहला समन जारी किया गया था और उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया था, तब से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एजेंसी द्वारा कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी द्वारा जारी की गई प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों से आपके लिए थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में इलीगल फंड्स का एक निरंतर प्रवाह उत्पन्न किया गया। इसके अलावा श्रीमती के कविता और उनके सहयोगियों का उद्देश्य अपराध की आय से आप पार्टी को दिए गए अग्रिम भुगतान का वसूली करना और इस पूरी साजिश के द्वारा आगे चलकर इस अपराध से होने वाला लाभ या आय उत्पन्न करना था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों, आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।